2008 में L&T फाइनेंस सर्विसेज ने एक स्कीम लॉन्च की थी सिर्फ महिलाओं के लिए, जो कि वहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही L&T फाइनेंस के द्वारा माइक्रो लोन मिलता था। तो ये लोन सबसे ज़्यादा, ये L&T फाइनेंस ने ये लोन आज तक हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो माइक्रो लोन है आज तक का, सबसे जो माइक्रो लोन की जो अमाउंट है L&T फाइनेंस ने भारत में आज तक सबसे ज़्यादा दी है। लेकिन जो L&T फाइनेंस का माइक्रो लोन है उसके बारे में कई लोगों को आज तक भी पता नहीं है कि इसे कैसे लिया जाता है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ये लोन अगर हमें लेना हो तो उसके लिए ये लोन कौन ले सकता है, वो महिला या पुरुष, इन दोनों में ये लोन कौन ले सकता है, और ये लोन अगर हम लेते हैं तो इसको हम कितने साल में, हमें ये लोन का जो रीपेमेंट है हमें करना होगा, और जो बाकी की जो L&T फाइनेंस से जुड़ी जो बातें हैं, जो इसके बेनिफिट है, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। दो हज़ार आठ से 2021 तक सबसे ज़्यादा माइक्रो लोन देने वाली जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो है L&T फाइनेंस सर्विसेज। लेकिन फिर भी लोगों को आज तक ये माइक्रो लोन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, खास करके महिलाओं को, क्योंकि उनको इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है कि ये स्कीम के द्वारा हम माइक्रो लोन कैसे लेते हैं L&T फाइनेंस से। तो चलिए करते हैं हम उसकी बात थोड़ी सी कि अगर हमें इस स्कीम के द्वारा हमें अगर लोन लेना हो तो हम कैसे ले और हमें क्या करना चाहिए। तो हम बात करते हैं L&T फाइनेंस की, जो ये माइक्रो लोन स्कीम है उसके क्या बेनिफिट है। तो अगर इसके जो अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला बेनिफिट हमें यहाँ पे ये मिलता है कि हमारे घर में अगर कोई महिला हो तो हम उनके नाम पे एकदम आसानी से ये माइक्रो लोन ले सकते हैं L&T फाइनेंस के तरफ से। और ये लोन जो है वो हमें यूज़ करने के लिए मिलता है 24 महीने के लिए, यानी कि हमें दो साल हम इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। हमें 2 साल के बाद इस लोन का जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें ये रीपेमेंट के द्वारा हमें फिर से उनको देनी पड़ेगी 2 साल में। मतलब हमें 2 साल ये लोन हम यूज़ कर सकते हैं L&T फाइनेंस का। ये माइक्रो लोन के द्वारा हम जो भी अमाउंट लेंगे L&T फाइनेंस से, तो हमें वहाँ पे 1% का वहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, प्रोसेसिंग फ़ी है, हमें 1% की देनी होगी यहाँ पे L&T फाइनेंस को। तो काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कम से कम जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस हमारे से यहाँ पे लिया जाता है बाकी अन्य बैंकों से। तो अगर हम बाहर जो अगर किसी बैंक से अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है, कोई 2% रहता है, कोई 3% रहता है, इसके हिसाब से बाकी अमाउंट पे हमें बाहर के जो बैंक होते हैं वहाँ पे हमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो L&T फाइनेंस का जो ये माइक्रो लोन स्कीम है तो इसमें सिर्फ 1% का हमें यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस है यहाँ पे हमें देना पड़ता है L&T फाइनेंस को। तो 2008 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ये लोन जब L&T फाइनेंस से मिल रहा था, तो उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये इस लोन पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सालाना ब्याज दर था, तो वहाँ पे 24% वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था हमारे अमाउंट पे। 24% से हमें ब्याज देना पड़ता था L&T फाइनेंस को। तो अभी अगर हम 2021 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 9.5% से 13% के बीच में ही हमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो ब्याज है, वो हमारे अमाउंट पे हमें देना पड़ेगा L&T फाइनेंस को। तो जो 2008 में जो 24% से हमसे जो ब्याज दिया जाता था, वो 2021 में आके यहाँ पे हमें आधे से भी यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे हमें कम लगता है हमें देने के लिए। कि हमें 2021 में ये लोन अगर हम लेते हैं, हम अप्लाई करते हैं इस लोन के लिए, तो ये हमें मिलता है 9.5% से 13% के बीच में, जो कि डिपेंड है हमारे सिविल के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर, हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो ये लोन 9.5% से 13% के बीच में ही हमें मिल जाएगा L&T फाइनेंस से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये लोन को अगर हमें अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, हम किसके नाम पे हमें इसे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, L&T फाइनेंस ने साफ साफ कहा है कि अगर ये लोन सिर्फ महिलाओं के लिए ही, उन्होंने स्पेशल ऑफर यहाँ पे जो लोन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही मिलेगा। तो हम हमारे घर में अगर जो हमारे बाकी के जो सदस्य है, अगर हमारे घर में जो महिला है, तो हम उनके नाम पे ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे अगर माँ हो, माँ के नाम पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं,
हमारे बहन के नाम पे भी ये लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अन्य हमारे घर में जो महिला है उनके नाम से हम इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं और L&T फाइनेंस से हम ये लोन एकदम आसानी से हम ये लोन ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कि ये लोन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा पैन कार्ड हो गया और जो हमारा रेशन कार्ड होता है, जो रेशनिंग कार्ड होता है हमारा, तो वो रेशनिंग कार्ड के द्वारा वो ये तीन डॉक्यूमेंट हमें चाहिए ये लोन अप्लाई करने के लिए, ये एप्लीकेशन में सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे हमें कोई भी हमारा जो IT रिटर्न है, हमारा जो इनकम टैक्स की जो फाइल होती है, यहाँ पे हमें नहीं सबमिट करती ये लोन लेने के लिए। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक से डॉक्यूमेंट है, ये एकदम आसानी से हम ये लोन लेने के लिए हम इसे सबमिट कर सकते हैं और ये सबके पास होते भी है। ये लोन को अप्लाई करने के लिए जो भी महिला है उनकी उम्र 20 साल से ऊपर और 60 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके ये लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो उनकी उम्र ये ध्यान रखें कि उनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए, ना तो 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए ना तो 20 साल से कम उम्र होनी चाहिए। तो 20 और 60 के बीच में अगर उनकी उम्र हो तो इस लोन के लिए हम एप्लीकेबल हो जाएंगे, हम इस लोन को हम आसानी से ले सकते हैं, हम इसका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भर सकते। तो L&T फाइनेंस का कहना है कि कम से कम हमें ये लोन 45,000 रुपये तक मिल जाएगा और अगर किसी का सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो 45,000 से आगे भी उनको मतलब ज़्यादा अमाउंट का लोन यहाँ पे L&T फाइनेंस से मिल जाएगा, ऐसा कहना है L&T फाइनेंस का। तो क्या ये लोन हमें लेना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम महिलाओं के नाम पे ये लोन लेते हैं, उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम अगर अदर बैंक से अगर हम बात करेंगे तो अगर हम SBI की बात करेंगे, हम HDFC बैंक की बात करेंगे, हम एक्सिस बैंक की बात करेंगे, अगर हमें वहाँ से कोई पर्सनल लोन लेना होता है तो हमें वहाँ पर हमारे ढेर सारे पहले तो डॉक्यूमेंट ही देने पड़ते हैं, हमारा IT रिटर्न दिखाना पड़ता है, हमारा इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है, अदरवाइज जो बाकी के हमें जो बाकी के जो पेपर होते हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये L&T फाइनेंस से हम महिलाओं के नाम से ये दो तीन डॉक्यूमेंट जमा करके एकदम आसानी से यहाँ पे लोन ले सकते हैं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो हमें ज़्यादा बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते और एकदम आसानी से एकदम एक से दो दिन में ये लोन हमें अप्रूव भी हो जाता है। तो ये लोन अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा? तो देखिए, आपको अगर पता नहीं है कि ये लोन के लिए हमें एप्लीकेशन कैसे भरना है, इसका जो फॉर्म है हमें ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि इसका जो फॉर्म है इसका जो एप्लीकेशन है हमें कैसा भरना है, तो आपको वो प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल वहाँ पे बता दी है कि उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है। मैंने वहाँ पे ऑनलाइन ही वहाँ पे आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भर के दिखाया है कि हमें इसे कैसे भरना है और कैसे यहाँ पे सेंड करना है, और उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है हमें भरने के बाद हमें क्या करना होता है, तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे उस वीडियो में मैंने सब वहाँ पे डिटेल फुल डिटेल वहाँ पे दे दी है कि हमें कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे हमें अगर हमने अप्लाई कर दिया तो L&T फाइनेंस से हमें एक मेल आता है, हमारा जो जेन्युइन हमने जो मेल आईडी वहाँ पे डाला है उस पे हमें एक मेल मिल जाता है। तो वो मेल मिलने के बाद हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हमारा जो लोन है उसका जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक आधा या दो घंटे के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे में हमें L&T फाइनेंस से एक मेल मिल जाता है। तो उसमें जो हमने एप्लीकेशन भरा है तो जो लोन एप्लीकेशन नंबर है वो दूसरे जो मेल हमें मिलेगा जो दूसरा हमें मेल मिलेगा तो उसके द्वारा हमें जो हमारा लोन एप्लीकेशन नंबर है हमें मिल जाएगा और L&T फाइनेंस एक से दो दिन में हमसे कॉन्टैक्ट करता है कि आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट है हमें कैसे सबमिट करने हैं, हमें जो बाकी की जो प्रोसेस है हमें क्या करने हैं। तो L&T फाइनेंस के जो कस्टमर केयर है हमसे वो बात करता है और हमें वो सभी चीज़ें बताता है कि हम इस लोन के लिए कैसे अप्लीकेबल होंगे और हमें और बाकी का क्या प्रोसेस करना है। तो अगर आपको कोई डाउट हो और आपको और भी अन्य कोई जानकारी L&T फाइनेंस से लेनी हो तो आपको जो ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है तो आप उस नंबर पे जो कस्टमर केयर का नंबर है आप कस्टमर केयर में फ़ोन लगा के आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, या तो आप L&T फाइनेंस की ये वेबसाइट है आप यहाँ पे जाके बाकी की जो प्रोसेस है आप चेक कर सकते हो, बाकी के आपको जो भी आपके मन में डाउट हो आप ये लोन के बारे में आप वहाँ पे जान सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।